2018 मॉडल की गाड़ी है ये, पेट्रोल प्लस सीएनजी ये 76,000 चले स्टैंडर्ड गाड़ी है। विटारा ब्रेजा भी है, क्रेटा भी है, सबसे पहले भी इसकी डिटेल 2017 है। ये 2017 मॉडल है, 76,000 रुपए की है। ठीक है, स्टैंडर्ड गाड़ी है ये, 76,000 चली है। डीजल है? डीजल है। ठीक, आप लोग कंडीशन भी साइड से भी देख लीजिए, डायमंड कट आप लोग को लेवल मिल जाते हैं, आप लोग को क्रेटा मिल जाती है। ठीक है, 2018 1.4 पेट्रोल डीजल डीजल है, इग्निस मिल जाती है। मॉडल की बात करते तो 2018 मॉडल। ठीक है, ये पेट्रोल है? ये पेट्रोल है, अल्फा टॉप मॉडल है। रनिंग क्या है? ये है 71,000 चली है, 2015 मॉडल है, VDI से। ठीक है, 2015 मॉडल की VDI मिल रही है। भैया ओनरशिप क्या है? ये फर्स्ट ऑनर ये भी है। तो दो टिगोर मिल जाती है, एक ये कलर खड़ी है, एक वाली। ठीक है, पेट्रोल भी है डीजल भी है, आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं स्मॉल लॉक्स, आपका स्मॉल लॉक्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, मैं आप लोग को आज ऐसी मार्केट लेके आ गया हूँ जहाँ पे आप लोग को सारी ही गाड़ियाँ मिल जाती है। आप लोग किसी भी गाड़ी की डिमांड करिए, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ का कलेक्शन दिखा देते हैं। आप लोग को इओन मिल जाती है, बाकी इग्निस भी मिल जाएगी। अगर वेगनार में भी आप लोग के पास दो ऑप्शन है, अगर आप लोग पेट्रोल चाहते हैं, सीएनजी चाहते हैं, ये भी मिल जाती है। बाकी स्विफ्ट में भी आप लोग देख रहे हैं, इधर बलेनो भी मिल जाएगी, आगे विटारा ब्रेज़ा भी है और क्रेटा भी है। मतलब कलेक्शन में यहाँ पे आप लोग को सारी ही गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो हम लोग जिस जगह पे, वहाँ पे शोरूम का नाम है न्यू वर्मा कार बाजार, जो कि आप लोग को बिंद्रा धर्म काटा के जस्ट सामने पड़ जाता है। अगर यहाँ के पूरे एड्रेस की बात करें तो बिंद्रा धर्म काटा के जस्ट सामने, जो कि बाराबंकी में है, फैजाबाद रोड पे, पास ही में न्यू बस स्टैंड खुला, आप लोग वहाँ आ जाएगा तो आप लोग को रिसीव एंड ड्रॉप कर दिया जाएगा। बाकी कलेक्शन तो काफ़ी शानदार आज भी आप लोग को व्लॉग में दिखाया है। बाकी गाड़ियाँ फाइनेंस भी जाती है, कम से कम डाउन पेमेंट करके भी आप लोग यहाँ से गाड़ी ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हेलो कर दीजिए। आपका नाम भैया? शिवम मौर्या। ठीक है, शिवम मौर्या। और शोरूम का नाम न्यू वर्मा कार बाजार। ठीक है, ये कहाँ पड़ जाती है भैया? ये भैया फैजाबाद रोड पे है, बिंद्रा कोल्ड स्टोर के सामने है। ठीक है, अगर यहाँ आना हो तो भैया कहाँ पर उतरेगा आसानी से आ जाए? ये आप जैसे कि गोंदा बहराइच से आ रहे हैं तो आप यही मोड़ पे उतर सकते हैं, यहीं से। ठीक है, बहराइच मोड़। बहराइच मोड़। ठीक है, बाकी यहाँ पे भैया सबसे ज्यादा जो फेमस है बिंद्रा धर्म काटा, और पास ही में यहाँ पे बस स्टैंड है न्यू। ठीक है, अगर आप लोग को यहाँ आना है तो पास ही में न्यू बस स्टैंड खुला है, जो कि बाराबंकी में है। आप लोग कह दीजिएगा बाराबंकी के मुझे न्यू बस स्टैंड जाना है, तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोग को शोरूम मिल जाएगा। बाकी अगर भैया कलेक्शन की बात करते तो आपके पास कलेक्शन कौन कौन सा है? हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। हाँ, बलेनो है, पोलो है, स्विफ्ट है, वैगनार है, ठीक है, मिल जाएगी आपको मॉडल में है। बाकी गाड़ियाँ फाइनेंस हो जाएंगी भैया? हो जाएगी। ठीक है, गाड़ियाँ फाइनेंस भी हो जाती है आप लोग के लिए, कम से कम डाउन पेमेंट करके आप लोग यहाँ से गाड़ी ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आज की सबसे पहली गाड़ी आपको दिखाते हैं। हमारी आज की सबसे पहली गाड़ी है, आप लोग को सिल्वर कलर की इओन मिल जाती है। मॉडल की बात करते तो 2013 मॉडल की मिल जाएगी, सिल्वर कलर पर गाड़ी मिल रही है भैया, 2013। ठीक है, पेट्रोल है? पेट्रोल है। प्योर पेट्रोल की सीएनजी है कुछ? सिर्फ पेट्रोल है ये। प्योर पेट्रोल है। 40,000 चली है, फर्स्ट स्टैंडर्ड गाड़ी है, 1,90,000 रुपए की डिमांड। ठीक है, गाड़ी की बात करते हैं तो 2013 मॉडल की गाड़ी मिल जाती है आप लोग को प्योर पेट्रोल। माइलेज की बात करते तो भैया 18-20 का माइलेज दे देगी। ठीक है, 18-20 का इसका माइलेज आता है। सिल्वर कलर की गाड़ी मिल जाती है। बाकी गाड़ी को अगर आप लोग पास से देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कहीं भी कोई भी स्क्रेचेस आप लोग को नहीं मिलेगा। बाकी टायर की बात करते तो टायर लाइफ चारों नए मिल जाएंगे आप लोग को। बाकी इंटीरियर से देख लीजिए आप लोग, इंटीरियर में सीट की कंडीशन। बाकी इसमें आप लोग को पावर विंडो नहीं मिलेगा, आप लोग को मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी पावर स्टीयरिंग मिल जाती है और एयरबैग आप लोग को इसमें नहीं मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम लगा मिल जाएगा जो कि बाहर से लगा है। बाकी भैया डिमांड क्या है? 1,90,000। ठीक है, 1,90,000 में कम कर लिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को इग्निस मिल जाती है। मॉडल की बात करते तो 2018 मॉडल।
ठीक है भैया, पेट्रोल है? ये पेट्रोल है, अल्फा टॉप मॉडल है। ठीक है जी, ये सेकंड ऑनर है। रनिंग क्या है? ये है 71,000 चली है। हाँ, इसकी डिमांड 4.5 लाख। ठीक है भैया, बाकी कंडीशन पे आते हैं तो इसकी भी कंडीशन देख लीजिए। व्हाइट कलर की आप लोग को इग्निस मिल जाती है 2018 मॉडल की, अल्फा भैया ने बताया, तो टॉप मॉडल में आप लोग को अलॉय व्हील तो मिलेगा ही, बाकी चारों टायर इसमें नए मिल जाते हैं। आप लोग पास से भी टायर देख लीजिए। बाकी यहाँ पे LED DRLs आप लोग को मिल जाती है, फॉग लैंप मिल जाएगा। बाकी इंटीरियर से भी देख लीजिए आप लोग। इंटीरियर की बात करते तो चारों पार विंडो मिल जाएगा, बाकी स्टेयरिंग पे ही कंट्रोल्स मिल जाएंगे क्योंकि भैया ने बोला टॉप मॉडल है, तो आप लोग को इंजन पुश स्टार्ट गाड़ी भी मिल जाती है, बाकी एयर बैग भी मिल जाता है, और सीट कवर तो इसमें गाड़ी के साथ के आप लोग को मिल जाएंगे। बाकी गाड़ी तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी इंटीरियर से देख लीजिए, तो इसकी डिमांड आप लोग को बता देते हैं भैया। डिमांड आपने बताई 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 रुपये में इग्निस मिल जाएगी, कम इसमें भी कर ले जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को विगनार मिल जाती है, जो कि पेट्रोल पे मिल जाएगी भैया। जी सी एन जी नहीं है? नहीं। ठीक है, पेट्रोल पे अगर कोई भी है भाई हमारे सी एन जी मांगते हैं तो वो भी मिल जाएगी। हमारे पास 18 मॉडल एक और है, नेक्स्ट में दिखाएंगे। ठीक है, अभी आगे आप लोग को सी एन जी वाली भी विगनार दिखा देते हैं, पहले तो आप लोग पेट्रोल की देख लीजिए क्योंकि कई भाइयों को खाली पेट्रोल पसंद होता है, तो ये पेट्रोल वाली आप लोग को मिल जाती है। जी 17 मॉडल है। हाँ 17 मॉडल भैया, ठीक है 2017 मॉडल है। LXI है VXI? ये VXI है, 49,000 चली है, 3.5 लाख रुपए की डिमांड। ओनरशिप? फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर है। ठीक है, 2017 लास्ट की गाड़ी मिल जाएगी आप लोग को। बाकी VXI वेरिएंट मिल जाता है। अगर VXI वेरिएंट में बात करते हैं फीचर्स की, तो आप लोग को इसमें फॉग लैंप मिल जाता है, बाकी साइड मिरर जो होते हैं वो बॉडी के कलर के मिल जाते हैं, LXI में ब्लैक कलर के आते हैं। बाकी टायर की बात करते हैं तो टायर भी पास से देख रहे हैं आप लोग, चारों टायर इसके भी नए मिल जाते हैं। बाकी पेट्रोल पर अगर इसके माइलेज की बात करते हैं तो 16 से 18 का माइलेज इसका आ जाता है। बाकी इंटीरियर की बात करते हैं तो VXI है तो 4 पावर विंडो मिल रहा है, LXI होती तो 2 डोर पावर विंडो मिलता है। बाकी स्टेयरिंग देख लीजिए, एयरबैग आप लोग को इसमें नहीं मिलेगा। बाकी सीट की कंडीशन और म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाता है आप लोग को। बाकी आप लोग को फीचर सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते डोर वाइजर भी लगा है और ऊपर रूफ रेल भी लगी है। ये एसेसरीज में आता है, जो कि गाड़ी फुली लोडेड है। डिमांड आपने बताई 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 में भी कम कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को 2018 मॉडल, 18 मॉडल है, CNG है ये। ठीक है, 2018 मॉडल की गाड़ी है ये, पेट्रोल प्लस CNG। अभी आपसे मैंने बोला भी था कि CNG वाली भी दिखा देंगे भैया। कंपनी फिटेड है? नहीं, ये बाहर से है। ऑन पेपर है? है, पेपर पे पास भी है। हाँ, ये 76,000 चली, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। ठीक है, ये है 3,75,000 रुपए की। ठीक है भैया, 2018 की गाड़ी आप लोग को मिल जाती है, ये VXI है। और अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी फिटेड CNG की, तो VXI जो होता है उसमें कंपनी फिटेड CNG नहीं आती है, क्योंकि ये VXI वेरिएंट आप लोग को मिल रहा है, लेकिन CNG आप लोग को मिल जाएगा और ऑन पेपर भी है। बाकी चारों टायर इसके भी नए हैं। जो भाई टायर नए हैं तो आपको नए ही बताएंगे, कोई यूज नहीं है क्योंकि नए टायर ही लगे हुए हैं। बाकी फ्रंट से देख सकते हैं, क्रोम किट इसमें आप लोग को पूरी मिल जाती है, बाकी इसमें साइड में ग्राफिक्स भी मिल जाएगा। बाकी इंटीरियर पे आते हैं तो इसमें भी फीचर सेम मिल जाएंगे आप लोग को, क्योंकि वो भी VXI ही थी। बाकी इसमें आप लोग को CNG भी मिल जाती है। बाकी सीट की कंडीशन देख लीजिए और बैक साइड से सीट की कंडीशन, तो इसकी डिमांड आप लोग को बता देते हैं भैया। इसकी डिमांड ये 3,75,000 क्योंकि ये CNG है। हाँ, ठीक है, 3,75,000 में भी कम कर लिया जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग का सारा ख्याल रखा गया है, तो नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को स्विफ्ट मिल जाती है। VDI है, 2015 मॉडल है, VDI स्विफ्ट। ठीक है, 2015 मॉडल की VDI मिल रही है भैया। ओनरशिप क्या है? ये फर्स्ट ओनर, ये भी है फर्स्ट ओनर है भैया। माइलेज क्या निकालेगी? 20 प्लस माइलेज निकालते। ठीक है, वैसे भी डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी का तो माइलेज अच्छा होता ही है। बाकी आप लोग देख सकते हैं व्हाइट कलर की गाड़ी मिल रही है। VDI में अगर फीचर्स की बात करते हैं भैया, इसमें एयरबैग आता नहीं है, लेकिन इसमें मिलेगा कि नहीं? एयरबैग नहीं होगा ना? ठीक है, VDI ऑप्शनल में आप लोग को एयरबैग मिल जाता है। बाकी इसकी कंडीशन आप लोग देख लीजिए, साइड से भी ग्राफिक्स आप लोग को मिल जाएगा। बाकी इंटीरियर में चारों पार विंडो मिल रहा है आप लोग को। सीट की इसकी भी कंडीशन देख लीजिए। म्यूजिक सिस्टम आप लोग को इसमें कंपनी फिटेड मिल जाता है, तो इसकी भी डिमांड बता दें भैया। डिमांड आपने बताई ये है 3,75,000 रुपये। 3,75,000, ठीक है, 3,75,000 इसकी डिमांड रखी गई है। यहाँ पे अगर आप लोग मिक्स सेगमेंट की बात करते हैं तो आप लोग किसी भी गाड़ी की डिमांड करिए, यहाँ पे सारी ही गाड़ी आप लोग को मिल जाएगी, यहाँ तक कि अल्टो, इओन, हुंडई में जाइए, शेवरोलेट में भी सारी ही गाड़ियाँ मिल जाती है। बाकी नेक्स्ट गाड़ी हमारी वापस से आप लोग को स्विफ्ट मिल जाएगी। स्विफ्ट में आप लोग को कलर ऑप्शन मिल गया, एक वाइट है, दूसरी ग्रे है। मॉडल करते हैं तो 15 ये भी है, 15 मॉडल है। ठीक है, ये थर्ड ऑनर गाड़ी है। ठीक है, VXI है ये? VDI भी है, VDI ही है। ठीक है, डीजल गाड़ी आप लोग को मिल रही है, सेम माइलेज होगा। बाकी रनिंग क्या है भैया? ये भी चली है, भी है जो है 70,000 कुछ चली है, 70,000 के लगभग। ठीक है, थर्ड ओनर गाड़ी मिल रही है, 70,000 के लगभग चली है। बाकी आप लोग के पास फर्स्ट ओनर का भी ऑप्शन है, और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बाकी इंटीरियर से देख लीजिए,
इंटीरियर में बात करते हैं तो वीडीआई है, तो चार पार विंडो इसमें मिलेगा, इसमें एयरबैग नहीं मिलेगा, बाकी सीट कवर्स इसमें नए लगे मिल जाते हैं आप लोग को। बाकी बैक साइड से सीट देख लीजिए, बाकी भी है इसकी डिमांड ये भी 3,75,000 की। 3,75,000, ठीक है, 3,75,000 इसकी भी डिमांड है, कम इसमें भी कर ले जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को बैलेनो मिल जाएगी, बैलेनो में भी आप लोग को ऑप्शंस मिल जाएगा, एक खड़ी है और दूसरी भी है अभी। सबसे पहले भैया इसका मॉडल की बात करते तो 2016 मॉडल की गाड़ी मिल जाती है। बाकी भैया वेरिएंट कौन सा है? ये डेल्टा है। डेल्टा है, डीजल है पेट्रोल है? डीजल 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 है, ठीक है। ये भी 20 प्लस माइलेज, तो इसमें तो एयरबैग भी आ जाएगा, इसमें एयरबैग है, ठीक है। अभी आपको इसके फीचर्स भी सारे दिखा देते हैं। बाकी भैया रनिंग क्या है? ये चली है 80,000 चली है। 80,000, ठीक है, 80,000 गाड़ी चली हुई है और डार्क ग्रे कलर के आप लोग को ये गाड़ी मिल जाती है। बाकी टायर की बात करते तो इसके भी टायर देख लीजिए आप लोग को, फ्रंट के दो टायर आप लोग को इसमें 80-90% मिल जाते हैं, बैक साइड के टायर आप लोग को 60-70% मिल जाएंगे। बाकी इंटीरियर में आते हैं तो चार पावर विंडो मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें आप लोग को एयरबैग भी मिल जाता है। बाकी आप लोग सीट की कंडीशन देख लीजिए, सीट कवर्स इसमें काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। बाकी म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो आप लोग को कंपनी फिटेड मिल जाता है। बाकी आप लोग इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। बाकी भैया डिमांड क्या है? 4,75,000 कम हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी कम कर ले जाएगा। बाकी आप लोग का ख्याल वॉक्सवैगन में भी रखा गया है तो आप लोग को पोलो भी मिल जाती है। मॉडल की बात करते तो 2014 मॉडल है ये, ठीक है। हाईलाइन है कि कौन सी वेरिएंट है भैया? कंफर्ट लाइन है, सेकंड ओनर है, ठीक है। ये चली है 65,000 को, चली है 65,000 कंफर्ट लाइन आप लोग को मिल जाती है। बाकी हाईलाइन होती है तो इसमें आप लोग को अलॉय व्हील मिल जाता है, लेकिन ये कंफर्ट लाइन है तो आप लोग को अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। डार्क ग्रे कलर के आप लोग को ये भी गाड़ी मिल जा रही है। बाकी वॉक्सवैगन की पोलो है। डीजल है भैया? पेट्रोल है। पेट्रोल पे माइलेज की बात करते तो 14-15 इसका माइलेज आएगा, डीजल पे होती तो आप लोग को 18-20 के लगभग इसका माइलेज आता है। बाकी इंटीरियर की बात करते हैं तो आप लोग को चारों पार विंडो तो मिल जाएगा, साइड मिरर भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सीट की कंडीशन यानी कि सिर्फ आप लोग को इसमें एयरबैग की कमी है, अलॉय व्हील की कमी है। बाकी भैया डिमांड? ये 3.5 लाख की। 3.5 लाख रुपये एयरबैग नहीं है ना भैया? ठीक है, 3.5 लाख रुपये में आप लोग को पोलो मिल जाएगी, कम इसमें भी कर ले जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को दो टिगोर मिल जाती है, एक ये कलर खड़ी है एक वाली। आप लोग के पास दो कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। सबसे पहले भैया इसकी डिटेल बता दीजिए। ये भैया 19 मॉडल है, ये 55,000 चली हुई है ये गाड़ी, ठीक है। पेट्रोल है डीजल है? ये डीजल है। डीजल है ये वाली? ये पेट्रोल है, ठीक है। पेट्रोल भी है डीजल भी है, आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है। 19 मॉडल है, हाँ, बेस मॉडल गाड़ी है, ठीक है भैया। सबसे पहले इसकी कंडीशन आप लोग को दिखा देते हैं, अभी उसकी भी डिटेल बता देंगे। आप लोग देख सकते हैं ये भी गाड़ी आप लोग को नॉन स्पेस मिलेगी। बाकी टायर देख लीजिए। बाकी इंटीरियर की बात करते हैं तो आप लोग को डिस्प्ले जो है आफ्टर मार्केट लगा मिलेगा। बाकी सीट की कंडीशन देख सकते हैं, एयरबैग का ऑप्शन आप लोग को इसमें नहीं मिलेगा। बाकी बैक साइड से सीट्स देख लीजिए और बैक प्रोफाइल भी आप लोग देख सकते हैं। बैक कैमरा आप लोग को मिल जाता है क्योंकि डिस्प्ले ही इतना बड़ा लगा हुआ है। बाकी भैया इसकी डिमांड क्या है? ये 4,500 रुपये की है। 4,500 रुपये, ठीक है, 4,500 रुपये में भी कम कर लिया जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं तो नेक्स्ट गाड़ी पेट्रोल है, इसकी डिमांड क्या है भैया? डिटेल तो आपको बता ही दिया, 2019 मॉडल ये भी है, फर्स्ट ओनर ये भी है, बेस्ट मॉडल ये भी है। 4,20,000 रुपये। 4,20,000 पेट्रोल है, ठीक है, 4,20,000 इसकी डिमांड है। आप लोग कंडीशन देख लीजिए, इसमें पावर विंडो है, इसमें पावर विंडो है, ठीक है, इसमें आप लोग को पावर विंडो मिल जाएगा। 4,20,000 डिमांड रखी गई है, कम इसमें भी कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं तो नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को ब्रेजा और क्रेटा दोनों मिल जाएगी और दोनों सेम ही ऑप्शंस होते हैं, एमयूवीज आती हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विटारा ब्रेजा भी है, क्रेटा भी है। सबसे पहले भैया इसकी डिटेल, 2017 है ये, 2017 मॉडल है, 75,000 रुपये की है, ठीक है। स्टैंडर्ड गाड़ी है ये, 76,000 चली हुई है। 76,000 चली हुई है, ठीक है। डीजल है? डीजल। डीजल पर माइलेज इसका भी 20 प्लस होगा, 20 प्लस माइलेज आता है। बाकी फ्रंट से आप लोग कंडीशन देख रहे हैं, गाड़ी तो ये भी काफ़ी वेल मेंटेन मिल जाएगी आप लोग। कंडीशन भी साइड से भी देख लीजिए, डायमंड कट आप लोग को लेवल मिल जाते हैं। टायर की बात करते हैं तो टायर भी आप लोग देख लीजिए, 100% के लगभग मिल जाते हैं। साइड मिरर पे क्रोम मिल जाएगा, क्रोम किट तो इसमें पूरी लगी हुई है। बाकी अगर इंटीरियर पे आते हैं तो इंटीरियर से भी गाड़ी वेल मेंटेन मिल जाती है आप लोग को, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिलेगा। बाकी एयरबैग भी आप लोग को इसमें मिल जाता है और सीट की कंडीशन देख लीजिए, गाड़ी ये अभी कल ही आई है और काफ़ी वेल मेंटेन गाड़ी मिल जाती है। आप लोग साइड से भी देख लीजिए, इसमें भी कोई भी वर्क नहीं हुआ है। बाकी बैक साइड से सीट की कंडीशन और बैक साइड में आप लोग को ब्लैक कलर का स्पॉइलर मिल जाएगा, क्रोम किट तो पूरी लगी ही है। बाकी भैया इसकी डिमांड क्या है? ये भैया 6,75,000। 6,75,000, ठीक है, 6,75,000 इसकी डिमांड रखी गई है, इसमें भी कम कर लेंगे। नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं तो नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को क्रेटा मिल जाती है। क्रेटा की बात करते हैं तो ये आप लोग को 1.4 मिल जाएगी और आती है एक 1.6 भी, लेकिन ये 1.4 आप लोग को मिल रही है। भैया मॉडल की बात करते हैं तो 2018, ठीक है, 2018 1.4
पेट्रोल डीजल? डीजल डीजल है, ठीक है। ये डीजल पे आप लोग को मिल रही है, ओनरशिप फर्स्ट है जी। रनिंग क्या है? ये 71,000 चली है। 71,000 चली हुई है, ठीक है। डीजल पे आप लोग को ये गाड़ी मिल रही है, बाकी कंडीशन भी देख रहे हैं, वाइट कलर की मिल जाती है, बाकी सिल्वर कलर के लेवल मिलेंगे। टायर की बात करते हो, टायर भी अच्छे मिल जाएंगे आप लोग को। बाकी इंटीरियर से देख लीजिए, हुंडई की गाड़ी है, हुंडई की गाड़ियों में फीचर्स हमेशा से ज़्यादा आते हैं। इधर देख रहे हैं पावर विंडो भी मिल जाएगा, साइड मिरर भी एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स आप लोग को मिलेगा, एयरबैग तक मिल जाएगा, उधर भी एयरबैग है, बाकी सीट की कंडीशन। भैया एयरबैग कितने होंगे टोटल? ठीक है, बाकी बैक साइड से सीट की कंडीशन। तो भैया इसकी डिमांड क्या है? ये भैया 8.5 लाख। 8.5 लाख रुपये कम हो जाएगा? ठीक है, 8.5 लाख रुपए में भी कम कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गाड़ी में हमारी आप लोग को दिखा रहे थे, नेक्स्ट गाड़ी हमारी वापस से ब्रेजा मिल जाएगी। ब्रेजा में आप लोग को दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक ग्रे और एक आप लोग को चेरी रेड कलर की मिल रही है। भैया मॉडल की बात करते हैं तो 2017 ठीक है, 2017 लास्ट की ये मिल रही है और वो 2017 अप्रैल की मिल जाती है। सबसे पहले भैया इसकी पूरी डिटेल क्या है? ये भैया LDI है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। हाँ, ये 68,000 चली है, ठीक है। ये 6,40,000 की मिल जाएगी, ठीक है। 6,40,000 की है, डीजल पे ये भी मिल रही है। बाकी इंटीरियर से देख लीजिए आप लोग, इसमें भी आप लोग को एयरबैग मिल जाएगा, सीट की कंडीशन देख रहे हैं, बाकी बैक साइड से सीट की कंडीशन। तो हमारी भी देखिए जी लास्ट गाड़ी है, भैया पहले इसकी डिमांड बता दिए, 6 लाख? ये है 6,40,000, ठीक है। 6,40,000 इसकी डिमांड रखी गई है, इसमें भी कम कर लिया जाएगा। तो हमारी भी देखिए लास्ट गाड़ी है, वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग को फाइनेंस के बारे में बता देते हैं, भैया फाइनेंस अवेलेबल है? फाइनेंस से ये 50% जमा करके हो जाता है, ठीक है भैया। मतलब यूपी वालों के लिए अवेलेबल है या ऑल इंडिया? सिर्फ यूपी, यूपी वालों के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग जाते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड। हाँ, बिजली का बिल लग जाता है, ठीक है। बाकी ITR लग जाता है, जो बिजनेसमैन है अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके लिए पे स्लिप लग जाती है, ठीक है। बाकी आप लोग की खेतौनी से भी हो जाएगा फाइनेंस। और भैया NOC किसी भी जिले की मिल जाती है? मिल जाती है, ठीक है। NOC भी किसी भी जिले की आप लोग को मिल जाएगी, बाकी फाइनेंस होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भैया अगर बहुत अच्छे पेपर है, कोशिश करेंगे कि 30-40% देकर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। कोशिश पूरी की जाएगी कि आप लोग के लिए फाइनेंस हो जाए, कम से कम डाउन पेमेंट करते, क्योंकि सारे भाइयों की ख्वाहिश कम से कम डाउन पेमेंट करके ही पूरी हो जाए तो अच्छा ही है। तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू भैया। ओके गाइस, तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग को मुझसे क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को मुझसे बातचीत करनी है गाड़ी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट लिस्ट में देखिएगा, मैं सभी के कमेंट के जवाब भी जरूर देता हूँ। बाकी अगर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा अच्छा अच्छा कलेक्शन लाते रहते हैं, चाहे प्रोन कार्स का और चाहे प्रोन बाइक्स का और चाहे प्रोन कमर्शियल व्हीकल का। तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक फॉर वॉचिंग।